ओम शांति, ओम शांति। परोपकार का मतलब क्या है? मैं भी कर्म में ना बांधू, दूसरों को भी कर्म के बंधन में ना बांधू। सेल्फ भी प्रोटेक्ट करो, दूसरों की भी प्रोटेक्शन करो। ना खुद कर्म में बांधो, दूसरों को भी कर्म में बांधने का ना निमित्त बनो। तो परोपकार वो स्टेज आना है तो हम सबको किस नजर से देखना है? किस नजर से देखना है? शुद्ध आत्मा के नजर से। किस आत्मा के नजर से? किस आत्मा के नजर से? एक बहन आकर के, भाई जी मेरा सास है ना, रोज भी बिना बोलते बिना रुकते, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, फिर भी मैं उसके प्रभाव से मुक्त होना संभव है क्या? मैंने बोला हाँ। कैसे? मैंने बोला दीदी कोई टेप रिकॉर्ड कुछ ना कुछ अपने आप बोलता रहता है, आपके कंट्रोल में है कुछ, तो आप क्या समझते हैं? वो टेप रिकॉर्ड को जाकर के धरते हो, टेप रिकॉर्ड में जाकर के उससे कोई व्यवहार ऐसे कर रहे हो, ऐसे पूछते हो, नहीं क्यों? तो रिकॉर्ड है तो आपका सास का भी टेप रिकॉर्ड है, वो बचता रहता है, वो बचने देना, वो बच करके वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अगर आप जाकर के वो टेप रिकॉर्ड को जैसे आप कंट्रोल करने जाते हैं, जैसे सास को कंट्रोल करने गया, तो आपके सास ने क्या करता है? आपके प्रति भावनाएं क्रिएट करता है, राग का भावना, द्वेष का भावना, ईर्ष्या का भावना, तो उसका भी क्रम बांधा, आपने भी क्रम बांधने के लिए निमित्त बना, दोनों मिलकर के कौन सा पार्ट बन गया? जॉइंट अकाउंट। तो इसलिए एक यार दूसरों को परिवर्तन करने के नजर पहले नहीं होता है, स्व के परिवर्तन के लिए होता है। तो पूरा काम कहाँ करना है? स्वयं पर। स्वयं पर काम करना आता अपने भावना के लेवल पर करना है। जहां तक हमारा भावना नहीं बदलते वहां तक हमारा कर्म नहीं सुधरते। इसलिए भावनाओं को साफ रखने से ही हमारा पुण्य कर्म बनता है। कौन सा कर्म बनता है? पुण्य कर्म। पुण्य कर्म में कुछ भी इच्छा अपेक्षा कामनाएं नहीं होता है। वहां केवल क्या होता है? वहां केवल क्या होता है? निस्वार्थ। उसको कहते हैं परोपकार। उसको क्या कहा जाता है? परोपकार।